Subscribe Sheila Journalistic. Assalamualaikum and welcome back. Last part में हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर बढ़ते हुए रेप केसेस की रीजंस और वो कितने रजिस्टर हुए. तो आज की इस वीडियो में जो सेकंड पार्ट है पाकिस्तान के अंदर रेप केसेस का, तो वो मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि कौन से सूबे से कितने केस हर साल रजिस्टर होते हैं. तो हम बात करेंगे 2018 की. तो जो पाकिस्तान के चार सूबे हैं, बड़े सूबे हैं, और पंजाब और केपी, तो वैसे भी फर्स्ट आते हैं. और जो सबसे ज़्यादा रेप केस रजिस्टर होते हैं वो लाहौर, जो कि पंजाब का सबसे बड़ा सिटी भी माना जाता है, कहा जाता है, वहाँ पे होते हैं. और नो इमेजिन के एवरीडे कितने लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, इसके विक्टिम्स क्या हैं और क्यों लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं. तो जो केपी से रजिस्टर हुए हैं 2018 के अंदर केसेस, वो 1164 हैं. आप लोग एक चीज़ को देख के हैरान रह जाओगे कि हम एक दूसरे को ब्लेम तो करते हैं कि जिस चीज़ को हम गलत मानते हैं वो चीज़ बेसिकली गलत नहीं होती है, जिसके बारे में हम गलत सोच रहे होते हैं वो गलत नहीं होता, जिसको हम सही समझ रहे होते हैं बाज़ दफ़ा वो ही चीज़ गलत निकलती है. और इतना किसी भी सूबे से ये चीज़ें रजिस्टर नहीं हुई हैं, ये चीज़ें सामने नहीं आई हैं, जितना इस जुर्म में पंजाब इन्वॉल्व है. सिंध से जो 2018 में केस रजिस्टर हुए वो 328 है, मीन्स के 328 में सबसे ज़्यादा केस रजिस्टर हुए हैं वो पंजाब से हैं, जो कि 3496 केस रजिस्टर हुए हैं. और हर साल जो रिपोर्ट आती है, जो केस रिपोर्टेड होते हैं, और इसमें से 90% लोग तो आते नहीं, रिपोर्ट कराते नहीं है केसेस को. क्यों? क्योंकि वो इस चीज़ को अपनी इंसल्ट समझते हैं, अपनी इज्जत का चले जाना समझते हैं, हालांकि ये गलत बात है. इंसाफ और हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए. तो जो 2018 में टोटल केस रजिस्टर हुए हैं वो 4326 केसेस हैं जो रजिस्टर हुए हैं. और 2019 में पंजाब फिर सबसे ज़्यादा है, 4089 है उसके केसेस. सिंध 346, केपी 259 है. ये जो केसेस 2019 में प्रोवेंस बेसिस पे रजिस्टर हुए हैं, और जो ओवरऑल रजिस्टर हुए 2019 में वो 4377 केसेस हैं जो 2019 में रजिस्टर हुए हैं. और आप ये देख सकते हैं खुद, अगर आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि मोस्टली आजकल लोग जो हैं एजुकेटेड हैं और हर चीज़ से अवेयरनेस रखते हैं, तो वो इस चीज़ को रिसर्च कर सकते हैं कि इसकी रीजंस क्या हैं, इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और इस चीज़ के ख़िलाफ़ क्या कर सकते हैं. क्योंकि जो मोस्टली चीज़ें सामने आ रही हैं वो चाइल्ड की हैं, चिल्ड्रन के साथ नज़ेब सलूक. और जो 2020 में पंजाब के अंदर फिर सबसे ज़्यादा केस रजिस्टर थी 3250 केसेस, केपीके में 299 केसेस हैं, सिंध में 386 हैं, और गिलगित बल्तिस्तान से कोई भी केस फिलहाल रजिस्टर नहीं हुआ. जो टोटल रिपोर्टेड हैं 3887 केसेस हैं जो 2020 में रजिस्टर हुए हैं. और इसके अलावा 2019 पंजाब फिर सबसे आगे हैं. क्यों? क्यों पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, और इसमें जो हुकूमत रही है, जो गवर्नमेंट रही है, वो भी माशाल्लाह से थी, और लोग भी फिर माशाल्लाह से हैं. फिर जो 2021 में पंजाब रजिस्टर हुए 1687 है, सिंध 226, केपीके 125 हैं, और जो टोटल जून तक केस रजिस्टर हुए हैं 1886 हैं. और आप लोगों को मैं इस चीज़ की चंद रीजंस बताती हूँ कि ये चीज़ें क्यों होती हैं, और इसकी बेसिक्स जो है हमारी खुद की थिंकिंग होती है,
कि हम क्या सोच रहे हैं, किस माहौल में रह रहे हैं और क्यों रह रहे हैं। तो इस रिसर्च के बाद हर एक की मैंने रिपोर्ट मोस्टली रीड की है, सर्च की है, मैंने उसको पढ़ा है। जो चीज़ सामने जो विक्टम्स हैं, विक्टम बहुत कम हैं जो आउटडोर हैं, आउट विक्टम्स हैं, मीन के बाहर के लोग हैं। जो ज़्यादातर विक्टम्स हैं वो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो कि इंतहाई हमारे शर्मनाक और तशवीशनाक बात है। या तो विक्टम वालिद है, भाई है, चचा है, कज़न है, ये रिश्ते हैं, ताया है, ये रिश्ते विक्टम्स हैं इन सारी चीज़ों के। और बाकी आजकल जो चल रहा है, मैं तो यही कहूँगी कि वालदैन को इस चीज़ पे गौर करना चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए, अपने बच्चों को ट्रेन करना चाहिए, उनको बैड और गुड का बताना चाहिए कि हाउ कैन वी कंट्रोल दीज। कि ये जो पाकिस्तान के अंदर चीज़ बढ़ रही है, और पता है इस चीज़ की सबसे जो बड़ी वजह है ना, वो हमारी हम खुद हैं। हम क्या कहते हैं बच्चों को, चलो कोई बात नहीं, आपका चाचा आप जैसे बैठे हुए बैठे रहो, कोई बात नहीं, बाप है, नहीं वो मर्द तो है ना, चाहे बाप का रिश्ता है, भाई का रिश्ता है, जो भी रिश्ता है, मर्द है। और मर्द के अंदर कब शैतान आ जाए कोई नहीं जानता। बाकी जो वालिद तो मोस्टली बाहर होते हैं, रीज़न होती है वालदा की, वालदा की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को कैसे तरबियत करती हैं और कैसे ट्रेन करती हैं। हमारे यहाँ एक रिवाज है कि चचा ज़्यादा भाई है, फूफो ज़्यादा भाई है, नहीं वो भाई नहीं होते हैं। भाई सिर्फ वो होता है जो अपना सगा खून का होता है, माँ बाप के पेट से पैदा होता है, वो होता है। आजकल तो उस जब सगे बाप पे एतबार नहीं तो कज़नों पे कौन एतबार करता है। लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ को मॉडर्निज्म समझा जाता है। वालदैन कहते हैं हमारे बच्चे तो मॉडर्न हो रहे हैं, तो ये मॉडर्निज्म नहीं है, ये उनकी तबाही है, ये बर्बादी है।